भारत में हर साल 2,40,000 से अधिक बच्चे हृदय रोग के साथ पैदा होते हैं, जो कि शिशु मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण भी है। इसकी देखभाल अभी भी अपर्याप्त है तथा कई लोगों की पहुंच से बाहर है। हमारे संस्थापक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ट्रस्ट ने अब श्री सत्य साई संजीवनी सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर के माध्यम से जन्मजात हृदय रोगों का वैश्विक समस्या से निपटने की दिशा में एक यात्रा शुरू की है। हमारे अस्पताल की श्रृंखला बच्चों का पूर्णतः निःशुल्क उपचार करती है, जिससे बच्चे के जीवन में गरिमा बहाल होती है तथा इन्हें स्वस्थ बचपन का उपहार भी मिला करता है। श्री सत्य साई संजीवनी ने नवंबर 2012 में छत्तीसगढ़ के अटल नगर पूर्व में नया रायपुर में बाल हृदय देखभाल के लिए पहला समर्पित पूर्णतः निःशुल्क केंद्र स्थापित करके इस यात्रा की शुरुआत की। दूसरे केंद्र श्री सत्य साई संजीवनी अंतर्राष्ट्रीय बाल हृदय देखभाल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2016 में हरियाणा के पलवल जिले के बाघोला में किया गया था। श्री सत्य साई संजीवनी सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर एंड ट्रेनिंग एंड पीडियाट्रिक कॉर्टिकल स्किल्स खारधार नवी मुंबई को नवंबर 2018 में मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया गया। आज भारत और विदेश में सत्य साई संजीवनी परिवार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जब पद्मभूषण सुनील गावस्कर और डॉक्टर श्री निवास की एक मंच पर पहली बार मंच साझा करते हुए दिखाई दे रही थी, जहां पर सत्य साई हॉस्पिटल के ट्रस्टी की श्री निवास ने बताया कि किस तरह से भारत के लोगों में, भारत के बच्चों में हार्ट की बीमारी की मात्रा बहुत बढ़ती जा रही है और पैसे के अभाव होने की वजह से लोग ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर इस अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन की जाती है। समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है, यही सत्य है। वही क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा कि क्रिकेट कमेंट्री के जीवन से अलग समाज सेवा के प्रति प्रभावित होकर श्री सत्य साई के चरणों में आए हैं और श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में सक्रिय भूमिका के बीच यही वजह है कि जब से सत्य साई के शरण में आए मेरे जिंदगी में बहुत सारे बदलाव हुए और मैं सितारा बनकर उभरा। साथ ही उन्होंने ओलंपिक खेल में भारत के लिए पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को अभिवादन किया और हौसला अफजाई की। वही गावस्कर ने कहा कि हर दिन इंसान को एक अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन मेरे करियर में जो हुआ, चार में शुरुआत में जब भारतीय क्रिकेट टीम में एंट्री की थी और उसके बाद में जो पहले मैच में मुझे जो जीवनदान मिला था, गैरी सोबर जैसे दिग्गज खिलाड़ी, मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, उन्होंने इतना मेरा एक आसान सा कैच छोड़ दिया जिससे मुझे जीवनदान मिल गया और दूसरा जीवनदान मिल गया जहाँ से मैं अपनी करियर को आगे ले पाया। तो जब ये साई संजीवनी अस्पताल जो बच्चे हैं उनको दूसरा जीवनदान देते हैं, उनकी जो सर्जरी होती है तो उसके बाद में जो जीवन, एक सामाजिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में आप विश्व में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत में पूरी तरह से मुफ्त डिकल कॉलेज की स्थापना और चिकित्सक शिक्षा प्रदान करने का काम पहले कभी नहीं हुआ। 2012 से श्री सत्य साई संजीवनी शिशु हृदय केंद्र और मातृ एवं शिशु अस्पताल पूरी तरह से निःशुल्क सेवाएं देने लगे हैं और पूरा देश में फैल चुके हैं। भारत के कई राज्यों और अन्य देशों में ऐसे कई केंद्र खोले जा रहे हैं। ये लोक सेवा और राष्ट्र निर्माण की स्वीकृति केंद्र है। मुख्य संरक्षक श्रद्धेय सदगुरु श्री मधुसूदन साई वंचितों की सेवा करने और वंचितों तक पहुंचने में हमारी प्रेरणा और निरंतर समर्थन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल द्वारा प्रदान की गई प्रेम और करुणा के साथ निस्वार्थ सेवाएं भविष्य में लोगों और संस्थानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। सत्य साई संजीवनी आज ये साकार कर दिया है। योगदान रहता है सर।
मैं इस संदर्भ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा उसको तो मैं याद करना चाहता हूँ कि भगवान बाबा ने आध्यात्मिकता को कर्मकांड से निकालकर सेवा से जोड़ दिया है। तो उन्होंने एक आध्यात्मिकता के जो क्षेत्र है उसे एक नया परिचय दिया और वो है कि आध्यात्मिकता केवल मंदिरों और गिरजाघरों और मस्जिदों और गुरुद्वारों तक सीमित न रहे और केवल प्रवचनों और शास्त्रों के पठन या योग ध्यान व यज्ञ याद तक ही न रहे क्योंकि जनसामान्य में सेवा के रूप में वो प्रदर्शित हो। तो ये आध्यात्मिकता की जो नई नई परिभाषा है वो बाबा ने दी है। उसी के मार्ग पर चलते हुए यही आध्यात्मिक संस्थान है सारे, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जन सेवा है। बाबा कहते आए मानव सेवा ही मानव सेवा है, जन सेवा ही जनार्दन सेवा है, शिव जीव सेवा ही शिव सेवा है। तो इस भाव से आज ये कार्यक्रम चल रहा है और देश विदेश में व्याप्त हो रहा है और लोग देश विदेश से भी यहाँ हमारे सेंटर्स में आते हैं। केवल भारत के लिए नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है कि हम पूरे विश्व के लिए एक परिवार के रूप में सेवा के रूप में कार्य करते हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। और मुझे भी मतलब कितने देशों से करीब करीब 20 देशों से अधिक से बच्चे यहाँ पर आते हैं और कई बड़े से दूर क्षेत्रों से भी आते हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से यहाँ पर बच्चे आते हैं उनके समाधान के लिए, उनके चिकित्सा के लिए। तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व उदाहरण है कि किस तरह भारत जो है और भारत की आध्यात्मिक शक्ति जो है वो समाज सेवा के रूप में केवल एक क्षेत्र या एक जाति या एक जनता के विकास के लिए पूरे विश्व के विकास में योगदान दे सकती है। तो उसका ये उदाहरण जो है जितने अस्पताल व उसके जितने भी बाकी संस्थाएँ हैं देखा जाए कि दूसरे हॉस्पिटल जहाँ लाखों की फीस लेते हैं छोटे छोटे ऑपरेशन करने में क्योंकि बच्चों का हार्ट का ऑपरेशन करना है स्मॉल फीस, लेकिन वहीं पे आप लोग फ्री में कर रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स आपके पास आते हैं वो किस तरह से आप उनको कन्विंस करते हैं या क्यों डॉक्टर आपके पास आते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको लाखों फ्री मिल रहा है, यहाँ पर उनको फ्री मिल रहा है, मैनेज क्या पहली बात फ्री क्यों नहीं है यहाँ क्यों नहीं हम किसी कुछ देते हैं? तो उसका तो वापस मैं वही कहना चाहूँ जो कि मैंने कहा है कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, मानवता का परिवार है, मानवता की जाति है और अपने घर के परिवार के किसी सदस्य को कोई कठिनाई हो तो हम उनसे पैसे नहीं मांगते, उनकी सेवा करते हैं। निस्वार्थ भाव से जो माता है जो रोज भोजन बनाती है हमारे लिए, पर बनाने के बाद बिल नहीं देती, वो हमें प्रेम से दिलाती है क्योंकि वो समझती है कि हम उनके अपने हैं। तो पूरा विश्व ही अपना है, सभी अपने ऐसी भावना रखने वाले कैसे किसी भावना से हम चला रहे, इसलिए यहाँ पर बिल की तो बात ही नहीं होती। उसके अलावा जो बच्चे यहाँ आते हैं वो बहुत ही गरीब वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनके लिए 10-20 हज़ार रुपये भी देना पड़ा बहुत लाखों की बात छोड़ी है। तो उनसे जो बचा खुचा जो भी उनकी पूंजी है उसको भी हम छीन लेंगे, कैसे किस तरह का न्याय होगा उनके साथ? तो वो तो संभव ही नहीं है। ये बाबा की पद्धति रही है शिक्षा स्वास्थ्य पोषण ये सब जो है उचित निःशुल्क रूप से जो जरूरतमंद है उनको दिया जाए। और जहाँ तक डॉक्टरों का सवाल है, अधिकतर डॉक्टर जो यहाँ काम कर रहे हैं वो सब अपनी स्वेच्छा से आए हैं यहाँ पर, उनको भी जीवन में कुछ ऐसा करना था, खुद तो डॉक्टर बनते हैं सोच से कि हम लोगों की सेवा कर पाए। वैद्य नारायण हरि बोलते हमारे हमारी संस्कृति में भी भगवान के समान है डॉक्टर, पर अधिकतर डॉक्टर ऐसा काम कर नहीं पाते क्योंकि आप जानते हैं कारण कहीं है उसके। पर ये संस्था उनको एक अवसर देती है कि जिस उद्देश्य से वे डॉक्टर बने हैं कि वो पूर्ति कर सके निस्वार्थ सेवा के रूप में। तो डॉक्टर्स आते हैं अपनी इच्छा से आते हैं, बहुत लोग वॉलंटरी काम करते हैं, लेकिन साथ में जो सप्ताह की जो भी जरूरत है उसके हिसाब से डॉक्टर्स को इसके पेरोल पे भी हैं। उन लोगों को जितना समाज में एक अच्छा जीवन जापन करने के लिए जो भी उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए उतने सैलरी या जो भी देना होता है वो दिया जाता है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता कहने में कि हमें अपने लोगों का ख्याल केवल बाहर से आने वाले बच्चों को ही परिवार के रूप में नहीं देखा, अपने डॉक्टर नर्सेज पैरामेडिक्स जितने भी हमारे सत्ता के सदस्य हैं सबको हमने एक परिवार की तरह ही माना है। हम सबको बड़े अच्छे से सबकी देखभाल करते हैं। अब उनसे बातचीत करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने खुश हैं, क्योंकि एक तो तृप्ति आत्मतृप्ति है, संतोष है कि हम डॉक्टर बन के अपनी जो भी हमारे कार्यकुशलता है उससे हम लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, और दूसरा उनका भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है अपने परिवार का भी और जो भी उनकी जरूरत है उसको पूरी हम पूरी करते हैं। तो ये परिवार का भाव से हम काम करते हैं।
my childhood. I'm going to go to the hospital.